Assalamualaikum, welcome to Meri Mamma Channel. Channel. आज मैं बनाने जा रही हूँ. आज मैं बनाने जा रही हूँ. आज मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता. मुरमुरे से बनता है ये नाश्ता, बहुत ही मजेदार. तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं. आराम से डालो. तो यहाँ पे जैसे तेल गरम हो गया है और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वो 1 teaspoon राई, जीरा है 1/2 teaspoon. लो सफीना, लो गैस है, हींग ऐड करना है थोड़ा सा नजदीक करके बेटा. अब यहाँ पे ऐड करेंगे, ये मैंने 2 प्याज ली हूँ और इसे इस तरह से स्क्वायर शेप में कट करके इसमें भी ऐड करना है. मिर्ची दो है, इधर लाओ ऐसे हाथ पकड़ के. 2 मिर्ची है, इसको भी ऐड करेंगे. लीव्स, करी लीव्स भी कटी हुई है, कट करके डालना है. डालो बिस्मिल्लाह, आराम से एकदम नज़दीक से नहीं करो बेटा. ऐसा सौते करेंगे, मतलब ऑनियन जो है उसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का पिंक कलर देना है. एक लाल मिर्ची है, इसे भी ऐड करना है. ये बहुत स्पाइसी है. अच्छा तो मैं कुछ और डाल दूँ. हाँ ठीक है. अब ये देखिए, ये जो ऑनियन है वो हल्के से गुलाबी हुए हैं. और अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे थोड़ा गैस लो कर रही हूँ. फिर डालेंगे एक टमाटर, ये हाथ से पकड़ो सफीना, और इसे भी इतना बारीक कट करना है. इसे भी ऐड करेंगे. जब तक टमाटर हल्का सॉफ्ट होता है तब तक हम मुरमुरे को पानी के अंदर ऐड करके इसे धो के निकालेंगे. तो चलिए पहले वो काम करते हैं. और यहाँ पे पानी के अंदर से ऐड करना है, एक बॉल के जितना यहाँ पे मुरमुरा ऐड करना है. बस अब ये मुरमुरा में डालेंगे और इसे डिप करेंगे. इतना ही इसको भिगाना है कि ये जो मुरमुरा है वो हल्का सॉफ्ट हो जाए. और अभी इसे निकाल के एक कटोरे में मैं निकाल दूंगी. बस ज्यादा नहीं भिगाना है वरना बहुत ज्यादा सॉगी हो जाएगा. यहाँ पे जो टमाटर है और कांदा है वो सब सॉफ्ट हो गए हैं. और अब इस स्टेज पे ऐड करना है, डालेंगे हल्दी 1 teaspoon है, 1 teaspoon धनिया पाउडर है, इसे भी ऐड करेंगे. 3 tablespoon जितना मैंने ये नमकीन सेंग ऐड करना है, इसे भी ऐड कर दो सफीना. और ये तमाम चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे. तो मैं मिक्स कर दी, मैंने नहीं करी. हाँ बेटा अभी गर्म हो गया ना हर चीज कढ़ाई, तो इसलिए तुमको थोड़ा दूर ही रख रही. अब यहाँ पे ये हर चीज रेडी हो चुकी है और अब यहाँ पे ऐड करना है मुरमुरा. अब यहाँ पे ऐड करेंगे भीगा हुआ मुरमुरा, इसे मैंने आपको बता चुकी हूँ. बस इसे पानी में डिप करना है और निकालना है. बिस्मिल्लाह, सफीना के साथ काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा है छोटा सा और उसको भी ये सब देखने का शौक है. जब ये बहुत छोटी थी तब से ये सब चीज देखते आ रही है. आया ना सफीना. और अब यहाँ पे इस स्टेज पे नमक ऐड करना है. यहाँ पे 1 teaspoon नमक ऐड करेंगे. बस ये 2 tablespoon भुना हुआ बेसन है, इसे ऐड करेंगे. बस और ये तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और स्लो आंच रखनी है आपको, अच्छे से मिक्स करना है. इसे कर्नाटक में शुश्ला भी बोलते हैं इस रेसिपी को, और यहाँ मुंबई में इसे मुरमुरे का नाश्ता कहते हैं. ये बहुत ही फेमस है कर्नाटक साइड. नाश्ता कोई ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है सफीना, लोग खाते हैं ये नाश्ता. कैसे? ऐसे तो नहीं होता है. तो कैसे होता है? तो उसको पहले रेसिपी में मिर्ची डालने का. और अभी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और अभी इसे 1 मिनट के लिए कवर करेंगे. अभी हो जाएगा 1 मिनट के लिए. हाँ. तो अभी यहाँ पे 1 मिनट हो गया है. थोड़ा सा नींबू ऐड करना है तो सफीना नींबू ऐड करेगी. हाँ वेरी गुड. बस सफीना बस बेटा बस अब ये मैं डालूं. हाँ और थोड़ा सा यहाँ पे कोथमीर ऐड करना है.
कोथमीर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। बस हो गया सफीना, बस अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये रेडी हो चुकी है और अब इसे डिश आउट करते हैं। इसे आप हल्का सा नींबू निचोड़ के सर्व करें, बहुत ही मजे का लगता है। यम्मी है गाइस। तैयार है यहाँ पे बहुत ही मजेदार रेसिपी, इसे आप नाश्ते में जरूर ट्राई करें। मुरमुरे का नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है और आप इसे सुबह के या शाम के नाश्ते में ज़रूर खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी ज़रूर में घर में ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।